इस वीडियो में करेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन ग्रुप है जिसमें कंडीशन क्या गिवन है कि दो स्टूडेंट्स, का सेम डे बर्थडे नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू हैविंग है सेम बर्थडे और हमें यहां पे क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन टू स्टूडेंट्स की कि उनका सेम डे बर्थडे हो समझ में आई बात अब क्वेश्चन के अंदर देखो हमें नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और हमें सेम बर्थडे की निकालनी है मतलब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है तो इस बर्थडे इवेंट को हम क्या कर लेते हैं ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो लिखेंगे क्या लेट इज एनी बर्थडे इवेंट एनी बर्थडे इवेंट हमने क्या कर लिया इसको एक इवेंट ई एज्यूम कर लिया यहां पे। अब देखो हमें इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 दे रखी है तो यहां पे क्या लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ध्यान से करेंगे बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ Not having सेम बर्थडे not हैविंग सेम बर्थडे एक प्रॉपर वे से राइट करेंगे इसको वो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट की बात कर रहा है यहां पे, तो इवेंट ई मानना है इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे और वो कितनी दे रखी है हमें जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू दे रखी है हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे हैविंग सेम बर्थडे तो कैसे निकलेगी बिल्कुल सिंपल होती है हमें क्या करना है वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमने फाइंड आउट करनी है तो वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे को हम क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट तो यहां पे क्या आ जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू तो वन में से जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट आ गई ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे ये आ गया आंसर क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए